बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो लोग बोल रहे थे कि ये मूवी नहीं चलने वाली, तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के प्रोड्यूसर हैं ना भाई, धमाकेदार इंटरव्यू में क्या बोला है इसी में बात करेंगे। उससे पहले जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, जी हाँ दोस्तों, जो इस मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि आपने देखा जहाँ भी जा रहे हैं भाई, क्या स्टंट दिखा रहे हैं अपने और क्या उनकी फिटनेस है वो आपके सामने है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों पहले हम बात करें बड़े मियां छोटे मियां, यानी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। जी हां दोस्तों, हाल फिलहाल में जहां भी जा रहे हैं बंदे भाई, जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं अपनी मूवी की। और उससे पहले मैं बताऊं आपको, पूजा एंटरटेनमेंट यानी कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं बासु भगनानी, जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में बोला कि भाई जो हमारी मूवी है ना भाई, जो अली अब्बास जफर हैं भाई, बहुत शानदार डायरेक्टर है और क्या काम करते हैं और कैसे क्या चीज़ लेके आनी चाहिए मूवी के अंदर और क्या पसंद है पब्लिक को, सब उनको पता है। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार एकदम इंटरव्यू में बोला। और एक बात मैं कहूँगा आपसे, एक रिपोर्टर ने पूछा वहीं पे, कहा कि भाई अगर आपने देखा कि सब जो स्टार हैं भाई कमबैक कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले मैं बताऊं आपको, जो अक्षय कुमार की मूवी हैं सब एकदम फ्लॉप है, उसके बावजूद भी आपने इस एक्टर को आप अपने साथ लिया है और काम कराया इनसे। तो दोस्तों पता है क्या जवाब दिया बासु भगनानी ने, कि भाई आपने देखा है, एग्ज़ाम्पल है आपके सामने बहुत बड़ा, यानी कि पठान मूवी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की। शाहरुख खान का नाम लिया उन्होंने और आपने बोला, उन्होंने बोला कि भाई आपने देखा शाहरुख खान की जो पाँच साल तक उनकी कोई भी मूवी जो हम चाह रहे थे वैसी हिट नहीं रही, ठीक है। उसके बाद जब वो आए लगातार एक साल के अंदर 3 हिट, जी हाँ दोस्तों, 3 हिट नहीं बोले हम, सुपर हिट, जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोला उन्होंने। तो आप ये सोचो, अक्षय कुमार और जो टाइगर श्रॉफ है बहुत शानदार एक्टर हैं, तो आपको बताएं ये जो मूवी है, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनका नाम लिया कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको पता है अच्छे से कि कैसे काम कराना चाहिए और क्या ऑडियंस को पसंद है, वो सब इस मूवी के अंदर आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से एकदम साफ हो गया है कि मूवी के अंदर भाई, हालांकि आपको एक बात मैं कहूँगा कि गाने थोड़े बहुत आपको निराश कर सकते हैं, 2 गाने बहुत अच्छे हैं इस मूवी के अंदर, ठीक है, आपने देखा होगा। टाइटल ट्रैक तुम भाई मुझे बहुत शानदार लगा है और जो गाने आगे आने वाले हैं वो भी बहुत शानदार आने वाले हैं। तो दोस्तों बासु भगनानी यहाँ तो सब कुछ बता दिया है उन्होंने कि हमारी मूवी में भाई धमाका होने वाला है, यानी कि अक्षय कुमार इस बार भाई ईद को धमाका करेंगे। तो उससे पहले हम बात करें, और उन्होंने एक बात भी कही, जी हाँ दोस्तों, कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपने देखा सामने मैदान मूवी है, ठीक है, और उसके बाद आपकी मूवी आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस पे आपको कुछ बोलना चाहिए? तो उन्होंने खुद बोला कि भाई जो अक्षय कुमार हैं वो अजय देवगन के दोनों मित्र हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड हैं, और वहीं बोनी कपूर जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि मैदान मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं, और बासु भगनानी दोनों फ्रेंड है, जी हाँ दोस्तों, तो उनकी कोई बजा रही होगी इसीलिए इस मूवी को ईद पर रिलीज़ किया है उन्होंने, नहीं तो कोई बात ऐसी है नहीं। मगर यहाँ पे एक बात मैं साफ कहूँगा कि जो मूवी अच्छी होगी वो चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो मूवी है, मुझे लग रहा है कि इस मूवी को जो स्क्रीन होने वाले हैं वो ज़्यादा जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना मैदान हम सोच रहे थे कि मैदान को स्क्रीन शायद ज़्यादा चले जाएं, मगर ऐसा नहीं होने वाला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ स्क्रीन ज़्यादा लेके जाएगी ईद वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।